Good morning, students. In last session, we are reading the chapter The Internet Web Browser. Okay, and today we continue this chapter with the topic of parts of a browser windows. Let's open your book, page number 80. The various parts of a browser windows are. ब्राउजर विंडोज के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज एड्रेस बार। द एड्रेस बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एवरी वेब ब्राउजर। एड्रेस बार क्या होता है? हर वेब ब्राउजर के एकदम टॉप पे होता है। टू ओपन अ वेबसाइट टाइप द वेब एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इनटू द एड्रेस बार। जब हम वेब जो भी कोई भी वेबसाइट हमें ओपन करनी होती है तो वो हम उस पर एड्रेस बार पे राइट कर देते हैं, उसका यूआरएल एड्रेस या कोई भी वेबसाइट एड्रेस जो आपको ओपन करनी है। द एड्रेस बार विल शो अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट्स। और एड्रेस बार क्या करता है कि जो आपकी रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि जो आपने रिसेंटली ओपन की होती है, सर्च की होती है, उसको भी शो करता है। To revisit a website, just click on the address in the list. और अगर आपको revisit करना है उसमें से, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसकी लिस्ट जो ओपन होती है, आप दोबारा से उस साइट को विजिट कर सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्रेश बटन। वी कैन यूज रिफ्रेश बटन टू टेल द ब्राउजर टू लोड द पेज अगेन। रिफ्रेश बटन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर देना, यानी कि तरोताज़ा। तो तरोताज़ा का मतलब यहाँ पे किससे है कि जैसे कि जब आपने लोड किया और आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये सही से नहीं आ रहा है, या हमारी नई फाइल नहीं आई, या नया रिसेंट लोडेड नहीं है, तो आप रिफ्रेश कर देंगे तो वो रीलोड हो जाएगा वो पेज, ठीक है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन वी रीलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द करंट पेज। और इस पे क्लिक करने से क्या होगा, मोस्ट रिसेंट वर्जन जो होगा आपके पेज का वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये इसलिए भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपने उसको स्विच कर दिया, किसी और पे आपने वर्क करना शुरू कर दिया, किसी और एप्लीकेशन पे या किसी और विंडो पे, सेम सिस्टम पे, तो क्या होता है कि आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत का नहीं आया है, या रिसेंट हमें पेज नहीं मिल रहा, या रिसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो भी आप रीलोड रिफ्रेश कर देंगे तो वो रीलोड हो जाएगा और करंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी, क्लियर। थर्ड इज फेवरेट। दिस ऑप्शन अलाउ द यूजर टू स्टोर, डिस्प्ले एंड ऑर्गेनाइज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट इन द फेवरेट लिस्ट। फेवरेट से आपको वैसे ही पता चल रहा है जैसे मोबाइल पे होता है, आप देखते हैं फेवरेट लिस्ट होती है, आप जैसे अपने जो भी आपके फेवरेट फ्रेंड्स हैं उनको आप फेवरेट लिस्ट में डाल देते हैं, या कोई भी फेवरेट रिलेटिव्स हैं तो उनको आप अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल देते हैं, तो वो पहले शो करता है जब भी आपको डायल करना होता है। उसी तरीके से अगर आपकी कोई फेवरेट वेबसाइट्स है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की वेबसाइट है, अगर आप उसको फेवरेट लिस्ट में डाल देंगे तो जब भी आप सर्च करेंगे तो वो पहले शो करेगा, तो उससे क्या होगा, आपको पूरा वेब एड्रेस उसका डालना नहीं पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको बार बार इसका यूज पड़ रहा है तो उसको करना भी इजी होगा। तो फेवरेट में उन साइट्स को या उन एड्रेसेस को रखा जाता है जो कि आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने होते हैं। दिस मेक इट इजी फॉर अस टू ओपन देम इन फ्यूचर, जिससे कि ये इजी हो जाता है, कभी भी आपको आगे उसको ओपन करना है तो वो आपके लिए काफी इजी कर देता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ रहा, सोचना नहीं पड़ रहा। अगर आपने उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर लीजिए, वो ओपन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। द हिस्ट्री फीचर लिस्ट ऑल द वेब पेजेस दैट यू हैव विजिटेड रिसेंटली। हिस्ट्री में क्या होता है कि वो सारे वेब एड्रेस और लिस्ट होती है वेब पेजेस की जो जो आपने विजिट की है, यानी कि जो जो आपने ओपन किए हैं वेब पेजेस, उन सब की लिस्ट अवेलेबल होती है हिस्ट्री में। यूजुअली वेब पेजेस स्टे इन द हिस्ट्री फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। जो वेब पेजेस आपके होते हैं वो कुछ नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं कि कितने दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, इसके हिसाब से होते हैं।
To view history in the Internet Explorer, click on Favorites and then click on the History tab. अगर आपको अपने उसकी वेब की हिस्ट्री चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, फेवरेट में जाएंगे और फिर हिस्ट्री टैब पे क्लिक करेंगे, आपको हिस्ट्री दिख जाएगी. डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री कितनी स्टोर है, उसमें कितने डेज की सेटिंग्स पड़ी है, 1 month की, 25 days की, 10 days की, वो उतनी शो कर देगा. नेक्स्ट शॉर्टकट की टू व्यू हिस्ट्री इज Ctrl+H. शॉर्टकट की क्या है हिस्ट्री को देखने की, Ctrl+H. होम बटन. एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट अप द वेब ब्राउजर अ वेब पेज कॉल्ड द होम और स्टार्ट पेज अपीयर्स. होम बटन क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज खोलते हैं वेब ब्राउज, मतलब सॉरी ब्राउज करते करते, सर्चिंग करते करते आप आगे चलते गए कि आपने दूसरा पेज खोला, दूसरा टॉपिक खोला, फिर नेक्स्ट टॉपिक खोला, नेक्स्ट पेज खोला, तो अगर उसके बाद आप सीधे होम पेज पे जाना चाहते हैं तो होम बटन पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसको हम स्टार्ट पेज भी कह सकते हैं. ठीक है, होम बटन हेल्प्स यू टू रिटर्न टू द होम पेज. वो आपको होम पेज पे जाने में हेल्प करता है. बैक एंड फॉरवर्ड बटन. बैक एंड फॉरवर्ड बटन क्या करता है, बैक बटन्स टेक यू टू द प्रीवियस वेब पेज दैट यू हैड विजिटेड एंड फॉरवर्ड बटन टेक्स यू टू द नेक्स्ट पेज. बैक बटन क्या करता है कि जो आपने पहले पेज देखा है, प्रीवियस पेज, वहां पे आपको ले जाएगा, और फॉरवर्ड बटन क्या करेगा कि आपको आगे जो आपने देखा था उस नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएगा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बैक एंड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड बटन इज ओनली अवेलेबल फॉर यूज इफ यू हैव यूज टू बैक बटन. फॉरवर्ड बटन तभी एक्टिव होगा जब आपने बैक बटन का यूज किया हो. ठीक है, स्टॉप. If a web page is taking too long to load or if you have typed in the wrong URL, the stop button is used to stop the web page from downloading. Stop button हम कब यूज करते हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मान लीजिए आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है और उसको रीलोड होने में, सॉरी लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है किसी वेब पेज को, तब हम स्टॉप बटन का यूज करते हैं. और नहीं तो अगर आपने किसी गलती से किसी सर्च, किसी को वेब पेज पे साइन को क्लिक कर दिया है, ओपन करने की कर दिया है और उसका एड्रेस डाल दिया है, तो भी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टैब. हैविंग मोर देन वन पेज ओपन एट वंस विल सेव यू your time from reopening pages again and it is very simple to do. क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब आपको एक से ज़्यादा pages open करने हैं और आपको कम time में एक के बाद एक pages open करने हैं, तब इस ये work को ये बहुत simply कर देता है, बहुत simple way में present करता है. Just click on the new tab text to the tab you have already opened as shown in the given image. अब देखिए यहाँ पे जो इमेज दी हुई है उसमें क्या लिखा है, क्लिक हेयर टू ओपन अ न्यू टैब. अब आपको न्यू टैब चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक चीज आपने सर्च कर ली, एक पेज, एक टैब पे आपने अपनी स्कूल की वेबसाइट कर ली. ठीक, अब आप उसमें के बाद दूसरे टैब पे किसी टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिए आपको कोई एक्टिविटी दी गई है उससे रिलेटेड मैटर्स ओपन करना चाहते हैं, तो न्यू टैब ले लेंगे, तो वहां से आप क्लिक करेंगे न्यू टैब बटन पे, तो वो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और वहां पे आप दूसरी सर्चिंग कर सकते हैं बिना पहले को बंद किए हुए. ठीक है, इसी तरीके से आपको जितने भी सर्च करने हैं अलग अलग टॉपिक्स, आप उसमें न्यू टैब में जा करके सर्च कर सकते हैं, और जब भी आपको कोई दूसरा पिछला देखना हो तो स्विच भी कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि सारे टैब आपके ओपन रहेंगे. नहीं तो आप ऐसे क्या करते हैं कि कभी कभी एक सर्च किया फिर क्लोज कर दिया फिर दोबारा सर्च किया, तो उससे आपको काफी हेल्प हो जाती है न्यू टैब से, कि आप न्यू टैब्स ओपन करते जाइए, जो जो टॉपिक आपको सर्च करना है वो एक एक टैब पे आप सर्च करके उसकी इंफॉर्मेशन रखे रहिए, जब आपको पूरे की खत्म हो जाए तो क्लोज ऑल कर दीजिए, बंद हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो आज हमने पार्ट्स ऑफ द ब्राउजर विंडोज पढ़ा. इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हार्ड वर्ड्स के लिए अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.